नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एज जो कि एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो शासनकाल था दैट इज नोन एज एलिजाबेथन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, और जो कि 1558 से शुरू होकर के 1603 तक कंटिन्यू रहता है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का शासनकाल था। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो शासनकाल था इट इज नोन एज द गोल्डन एज, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं थे, और थे तो बड़े ही टैक्टिकली इसको सेटल डाउन कर लिया गया था। तो लेट मी जस्ट पॉइंट आउट द फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन एज एंड देन टेल इट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो एलिजाबेथन एज इज इन लिटरेचर इज नोन एज द गोल्डन एज फॉर द प्रीडोमिनेंट ग्रोथ ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा। एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्रमुख रूप से इसमें पोएट्री और ड्रामा का ग्रोथ हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। और गोल्डन एज जो नाम दिया गया सिर्फ पोएट्री और ड्रामा के ग्रोथ तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इट इज नोन एज द एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑल्सो। एलिजाबेथन एज विटनेस्ड ट्रांसलेशन टू इंग्लिश इनटू इंग्लिश आर सेवरल इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्क्स, थॉमस नॉट्स प्लूटॉक्स लाइफ, जॉन फ्लेरर्स मॉन्टेग्नेस एसेस, आर्थर गोल्डिंग्स मेटामॉर्फोसिस, सर जॉन हैरिंगटन ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, जो कि अरिस्टोटल का था। तो एलिजाबेथन एज में दिखाई पड़ा, इसने ये साक्षी रहा किस चीज़ का, बहुत सारे ऐसे वर्क्स का, विदेशी वर्क का, विदेशी लिटरेरी वर्क का जिसको ट्रांसलेट किया गया अंग्रेजी में, जिनमें प्रमुख था थॉमस नॉर्थ का प्लूटॉक्स लाइफ, जॉन फेरियो ने मॉन्टेग्ने के एसे को ट्रांसलेट किया था, आर्थर गोल्डिंग ने मेटामॉर्फोसिस को, सर जॉन हैरिंगटन ने ऑरलैंडो फ्यूरियोसो को ट्रांसलेट किया था जो कि अरिस्टोटल का था। मेनी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस मार्क द एज, बहुत अलग अलग कई देशों का प्रभाव था इनमें, लेकिन एमंग देम इटली वॉज डोमिनेंट। उन सब में जो इटली का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था। ड्रामा में इसको देखने को मिलता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्रांस और स्पेन का भी प्रभाव था। इट इज नोन एज द एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, हमने पहले ही बताया, बिकॉज द एज इज नोन फॉर द पोलिटिकल स्टेबिलिटी एंड नो रिलीजियस डिफरेंसेज, नो रिलीजियस टर्मोइल वॉज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, because it was all settled down so tactically, so in a very much balanced way. So there had been no political and religious turmoil as it was settled down. The Elizabethan age also reflects patriotism. As Lily said, the living God is only English God. ठीक है, foreign influences था उस पर, लेकिन ये जो है मुख्य रूप से पैट्रियटिज्म भी देखने को मिलती है, देशभक्ति की भावना भी मिलती है, क्योंकि ये जो है एज इस, जैसा कि लिली ने कहा है, द लिविंग गॉड इज ओनली इंग्लिश गॉड। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, दैट एलिजाबेथन एज इज आल्सो नोन एज द फ्लावरिंग ऑफ रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन। ये टू मोमेंट्स आर रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन, जो एलिजाबेथन एज में एकदम फुल्ली ब्लूम्ड हुआ, डेवलप्ड हुआ। एक रेनेसेंस जो कि लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, और रिफॉर्मेशन पूरी तरह से रिलीजियस मूवमेंट है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए हम कुछ लिटरेरी जेनर जो इसमें डेवलप हुए, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि प्रिडोमिनेंट ग्रोथ ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा। तो लेट मी एट फर्स्ट फोकस ऑन आवर पोएट्री। व्हाट वाज द डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इसलिए पोएट्री एंजॉयड इट्स हेयडे एंड
इंग्लैंड बिकेम नेस्ट ऑफ द सिंगिंग बर्ड। पोइट्री ने अपना चरम काल जिसको कहा जाए विकास को आनंद उठाया, मीन्स कविता का बहुत विकास हुआ और इसीलिए इंग्लैंड को क्या कहा जाता है, इंग्लैंड बिकेम नेस्ट ऑफ द सिंगिंग बर्ड। इंग्लैंड उस समय कहा जाता था कि गाने वाली चिड़ियों के घोंसलों का देश जैसा बन गया था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि सॉन्ग्स लिरिक्स एंड सॉनेट्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन प्लेंटी। इसका मेन रीजन था कि सॉन्ग्स लिरिक्स और सॉनेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लिखे गए थे, इसलिए कहा जाता था। लोग तो ये भी कहते थे, ये भी कुछ लोगों ने कहा है कि ड्यूरिंग इंग्लैंड नाइटिंगेल वर चैटरिंग ट्विटरिंग दे आर जस्ट सिंगिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज इन इंग्लैंड। इट वॉज जस्ट ड्यूरिंग क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट रेन। जो एडमंड स्पेंसर्स जो इसके प्रमुख जिनको हम कहेंगे कि पायनियर एंड दोज पोएट्स हु वर इन लाइमलाइट, एडमंड स्पेंसर थे जिनका 1552 से 1599 है, जिनका फेरी क्वीन पॉपुलर है, सिडनी 1554 से 86, एस्ट्रोफल एंड एस्टेला इनका पॉपुलर है, विलियम शेक्सपियर का क्या कहना, ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर एमंग द एलिजाबेथन पोएट्स ड्रामेटिस्ट एज वेल। ड्रामा की बात करें तो ड्रामा इज इट्स चीफ ग्लोरी एज इट इज नेशंस मोस्ट डायरेक्ट एंड ओरिजिनल एक्सप्रेशन। ड्रामा स्पेशली दिस इज द एज इज नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा ऑल्सो। ड्रामा एक्चुअली जस्ट इट केम टू बी एट इट्स एमिनेंट पोजिशंस ड्यूरिंग एलिजाबेथ फर्स्ट रेन। सो विलियम शेक्सपियर, ड्रामा इज इट्स चीफ ग्लोरी एज इट इज नेशंस मोस्ट डायरेक्ट एंड ओरिजिनल एक्सप्रेशन। ये देश का एकदम प्रत्यक्ष और सबसे वास्तविक ओरिजिनल अभिव्यक्ति माना जाता था, इसलिए कहा जाता था। इसमें ड्रामे कौन कौन से डोमिनेंट लिखे गए, डोमिनेंटली प्योर ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, हिस्टोरिकल ड्रामा, ये चीज़ें हैं जो लिखी गई। जो मेन ड्रामेटिस्ट हैं वह है विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो वे द चीफ एक्सपोनेंट्स। ये सब जो मुख्य ड्रामेटिस्ट माने जाते थे। इसके अलावा लिली, जॉस बेल एंड कीट वर ऑल्सो पॉपुलर ड्रामेटिस्ट एमंग देम। तो ये ड्रामा की कंडीशन, इन सबको हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ड्रामा और एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथन पोएट्री, एलिजाबेथन प्रोज। यहाँ पे हम संक्षेप में इनके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मच ऑफ द प्रोज रिटन अंडर द एज इज आइदर ह्यूमोरिस्टिक और आर्केडियन। ये दो टर्म हम याद रखेंगे। इसमें ज़्यादातर जो प्रोज लिखे गए वो ह्यूमोरिस्टिक या तो होते थे या आर्केडियन होते थे। लेट मी टेल यू अबाउट ह्यूमरिज्म। ये जो लिली थे इन्होंने यूफियस एनाटॉमी ऑफ विट एक बुक लिखा था, प्रोज वर्क था इनका, जो कि हाईली ऑर्नेटेड हाईली फिगरेटिव लैंग्वेज के लिए जाना जाता था, पोएटिक प्रोज के लिए जाना जाता था। तो इट एक्चुअली सेट ए ट्रेंड इन द राइटिंग ऑफ प्रोज। सो एवरीबॉडी जस्ट इमिटेटेड जॉन लिली, सब ने जॉन लिली को इमिटेट किया। और इसी तरह आर्केडिया जो कि सिडनी का एक फिलोसॉफिकल वर्क था, इसने भी एक, ये भी एक ट्रेड सेटर के रूप में था, इसलिए इसको भी लोगों ने कहा। तो ये सब क्या, इट इज़ ए पोएटिकल प्रोज। पर जो प्रमुख जो प्रोज राइटर्स के रूप में हम कह सकते हैं, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस लॉस रोजरलैंड, फ्रांसिस बेकन भी हैं। इन सब के बारे में जैसा कि हमने कहा डिटेल में हम बात करेंगे, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। सो गाइस, आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट द एज दैट इज नोन एज एलिजाबेथन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, इन ए वेरी ब्रीफ लेक्चर। आई होप यू मस्ट हैव गॉट सम कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज एंड इट्स लिटरेरी डेवलपमेंट्स इन दिस एज। सो हम नेक्स्ट वीडियो डाउनलोड करें, तब तक प्लीज़ वॉच माई वीडियो, शेयर इट विद योर अदर पीपल्स and don't forget giving me your feedback also my friend. So till then, goodbye, keep watching.